आज आप देखने वाले हो इनविजिबल ट्रिक, कार फ्लाइंग ट्रिक, कैरेक्टर गिलीज, मिनी लॉन्च पैड ट्रिक, ग्लू वॉल ट्रिक, 10 ऐसी खतरनाक ट्रिक आप इस वीडियो में देखने वाले हो। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। इस ट्रिक से हैंगर पे जो ये प्लेन है आप इसके अंदर जा सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। इसके लिए बस आपको ये टेलीपोर्ट मशीन चाहिए होगा और प्लेन का जो आगे वाला टायर है इसके ऊपर इसको सेट कर देना है और भाई ये सीधा उसके अंदर सेट हो जाएगा। और जैसे टेलीपोर्ट करोगे लो भाई आप सीधा इस प्लेन के अंदर आ जाने वाले हो। यार इस ट्रिक का सबसे खतरनाक चीज है भाई, इस प्लेन के अंदर रह के भी आप बाहर बंदों को इजीली मार सकते हो और बाहर वालों को बंदों को तो आप बिल्कुल दिखाई भी नहीं दोगे भाई। इस पूरे प्लेन के अंदर आप कहीं पर भी घूम सकते हो और बाहर निकलने का मन करे भाई बस जॉयस्टिक को आगे करो और इजीली आप इस प्लेन से बाहर भी आ जाओगे। ट्रिक नंबर 2 भाई, ये ट्रिक भी हैंगर का है। हैंगर पे जो ये वाला ट्रिक है इसके पास बस आपको एक बाइक को लेके आना है और इस बाइक को पीछे ले जाते हुए बस जो ये बॉक्स है इनके साइड में कुछ इस तरीके से सेट करना है। फिर जैसे एग्जिट करोगे भाई आप सीधा इस ट्रक के नीचे आ जाने वाले हो यार, और इसके नीचे आके बस आपको बैठना है और आप बिल्कुल टोटली हाइड हो जाओगे, बोले तो आप बिल्कुल दिखाई नहीं दोगे। और इस ट्रिक का मस्त बात ये है कि इसके सामने आपको एक रिवाइवल पॉइंट भी मिल जाएगा जिसपे कोई बंदा है तो इसके अंदर से आप आसानी से उसको मार भी सकते हो भाई, और उस बंदे को तो आप दिखाई नहीं दोगे। और हाँ, यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं वो भी देख लो, आपको बस जो इस ट्रिक को चारों तरफ घुमाते रहना है और थोड़ी देर के बाद में आप ऑटोमेटिक इससे बाहर भी आ जाओगे। ट्रिक नंबर 3, चलो आपको एक रिंग पुश का कमाल का ट्रिक दिखाता हूँ। जस्ट इस ट्रिक को करने के लिए जहाँ पर भी आपको पानी मिले आपको वहाँ पर आ जाना है और धीरे धीरे आपको आगे आना है। जैसे आप तैरने लग जाते हो बस आपको उसी जगह पे रुक जाना है। अब आपको पहले सर्फबोर्ड ऑन करना है, देन सर्फबोर्ड और मिनिमाइज दोनों बटन को एक साथ क्लिक करना है एंड जैसे आप गेम में वापस आओगे लो भाई अब आप पानी में तैरोगे नहीं, आप भाग सकते हो, बैठ सकते हो, यहाँ तक कि बाहर एनिमी को किल भी कर सकते हो भाई, वो भी इसके अंदर से। और रिंग पुश वो तो आप बैठे बैठे कर सकते हो भाई बड़ी आसानी के साथ। और हाँ, इस ट्रिक को कहीं पर भी कर सकते हो, बस सर्फबोर्ड को ऑफ करना है, मिनिमाइज करना है और देखो आप पानी के अंदर फिर चल फिर कुछ भी कर सकते हो भाई, बस जंप मत करना, जैसे जंप करोगे सारा सत्यानाश। खैर अब ट्रिक नंबर 4 को देखो, जिसे करने के बाद में आप इनविजिबल हो जाओगे, बोले तो भाई आपको कोई देख ही नहीं पाएगा। देखो गायब होने के लिए ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक मॉन्स्टर ट्रक को लेके आना है फार्म टोपिया पे और यहाँ पर जो ये चक्री घूमती है इसके ऊपर कहीं पर भी आपको मॉन्स्टर ट्रक को चढ़ा देना है। अब ध्यान से देखो ये चक्री इधर की साइड घूम रही है और मेरे को जाना है मॉन्स्टर ट्रक की साइड, और जैसे यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन आता है बस आपको ड्राइव करना है। और देखो आपको कुछ भी अलग नहीं लगेगा लेकिन आपके फ्रेंड या कोई एनिमी होंगे उनको भाई आप कुछ इस तरीके से मॉन्स्टर ट्रक से अलग हवा में उड़ते हुए दिखाई दोगे। जैसे अभी मेरा फ्रेंड उड़ पा रहा है लेकिन भाई उसके व्यू में तो वो मॉन्स्टर ट्रक ही चला रहा है और आपको या एनिमी को मॉन्स्टर ट्रक पे कोई दिखाई नहीं देगा। अभी देखो भाई मेरे को भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं साइड वाली सीट पे बैठा हूँ और जो मॉन्स्टर ट्रक है वो अपने आप चल रहा है। और भाई अब जो आपका फ्रेंड है वो परमानेंट इस मॉन्स्टर ट्रक पे गायब ही रहने वाला है, ना आपको दिखाई देगा ना एनिमी लोगों को दिखाई देगा। और इस वीडियो पे अगर आप 5000 लाइक कंप्लीट करवा देते हो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टेलीपोर्ट होने का खतरनाक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, सच में मजा आ जाएगा उस ट्रिक को देख के, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार। ट्रिक नंबर 5 भाई, इस ट्रिक से आप अपने फ्रेंड को ऐसी कैद में भेज सकते हो जहाँ से या तो वो के वापस आ सकता है या फिर उसको गेम को एग्जिट करना पड़ेगा। एकदम मस्त ट्रिक है। इस ट्रिक को करने के लिए मील पे जो ये वाला वेयर हाउस है बस आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को इसके अंदर आ जाना है। और इसे देखो भाई मेरे से भी पहले आ गया, इतना किसको जल्दी होता है भाई हलाल होने का। खैर छोड़ो, आपको अपने फ्रेंड से बोलना है जो ये टेबल है इस पे एक दो जंप करके ऊपर आ जाए और बस इतना ही बोलना है। जैसे आपका फ्रेंड ऊपर चले जाएगा फिर आपको अपने टीममेट से बोलना है क्राउच करके थोड़ा सा आगे जाए, और क्राउच होकर जैसे वो आगे जाएगा बस आपका काम हो चुका है भाई, अब वो ऐसी जगह पे जा चुका है जहाँ से वो निकल ही नहीं पाएगा। और इसको देखो भाई इतना मेहनत कर रहा है जैसे अभी ये जंप करके बाहर निकल ही जाएगा, मतलब यहाँ पर एक बार आने के बाद में यहाँ से बाहर निकलना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, या तो इसको अपना पेटी बनवाना होगा या फिर सीधा गेम को एग्जिट करना होगा। इसे कहते हैं बदला, आपको भी लेना है तो आप भी अपने फ्रेंड के खिलाफ इसे यूज कर सकते हो। और इस वीडियो को लास्ट ट्रिक में मैं आपको एक कमाल का कार फ्लाइंग ट्रिक दिखाऊंगा जिसे देख के आप मुग्ध मोहन हो जाओगे। ट्रिक नंबर 6, इस ट्रिक को यूज आप तब कर सकते हो जब आपके फ्रेंड में से किसी के पास ये स्काई विंग होता है, बस आपको प्लेन से जंप करना है, जंप करते ही आपको तुरंत से इंटरनेट को ऑफ कर देना है, अब बस फटाफट आपको जमीन पे लैंड करना है और जैसे लैंड करोगे आप खुद देखो भाई जो आपका फ्रेंड का स्काई विंग होगा वो कुछ इस तरीके से देखो, मतलब ये घोड़े को भाई जैसे जमीन पे चला रहा है भाई, एकदम गजब और भयंकर ही लगता है यार। चलो इस पे मैं पीछे बैठ के देखूं क्या, क्या पता एक घोड़ा चलने लग जाए। नहीं नहीं ऐसे ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं पागल घोड़ा नहीं है। ट्रिक नंबर 7, तो भाई ये है ऑब्जर्वेटरी और इसके पास आपको एक ये पेड मिलेगा, बस इस पेड का आपको एक बहुत ही मस्त वाला ट्रिक दिखाता हूँ। इधर आपको ढलान पे आना है और यहाँ से इस पेड में एक जंप करना है, आप सीधा इस पेड के ऊपर, फिर जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट मूव करके आप बिल्कुल इस पेड के टॉप पे आ जाओगे यार, एकदम मेरी तरह। और आपको तो पता ही है भाई पेड़ पे आजकल कौन ही देखता है, अगर आप ऊपर से बंदों को भी मारोगे तो बंदों को घंटा कुछ पता नहीं चलेगा। दब्बा के इस ट्रिक को
दबाओगे किसे भाई, मतलब आराम से इस ट्रिक को यूज करो और मौज करो। ट्रिक नंबर 8, ये ट्रिक है पोचिनो का। देखो कितना सुंदर गांव है, मैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स बनाता हूँ। गजब आदमी है यार, कोर्ट का। हाँ तो देखो, इसके सामने आपको एक ये टावर मिलेगा, जिसके पास बस आपको एक गाड़ी को लेके आना है और कुछ भी नहीं करना। गाड़ी को पीछे ले जाके गाड़ी से एग्जिट करना है, फिर आपका जो गाड़ी होगा वो भाई धीरे धीरे ऐसा ऐसा ऐसे पीछे आता रहेगा। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, गाड़ी के पीछे जाके कुछ इस तरीके से बैठ जाना है, बस थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये गाड़ी आपको टच नहीं कर देता। और जैसे ही आपको टच करे बस एक जंप करो और सीधा आप इस वाले टावर के अंदर आ जाओगे भाई, वो भी एकदम आसानी से, एकदम मेरी तरह। मैं भी अभी टावर के अंदर आ चुका हूँ और बंदों को मारने के लिए बस जो स्टिक से धीरे धीरे आपको आगे आना है और ऐसे बाहर निकल के आप आरामी से बंदों को भी मार सकते हो। और जैसे आपको कोई बंदा देख लेता है जस्ट आपको अंदर घुस जाना है एकदम आरामी से। और मुझे पता है भाई आप में से बहुत लोग क्यों इन वीडियो का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइब भी पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक इन वीडियो नहीं आया। तो थोड़ा इंतजार करो भाई, वीडियो थोड़ा मस्त एंड थोड़ा तगड़ा होने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है यार। ट्रिक नंबर 9, चलो आपको सोशल आइलैंड का एक मस्त ट्रिक दिखाता हूँ। इस ट्रिक को करने के लिए जस्ट आपको ये वाली साइड पे आ जाना है और अपने टीममेट से बोलना है फुटबॉल ग्राउंड में चला जाए। जैसे वो फुटबॉल ग्राउंड में जाएगा इनवाइट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और टीममेट पे सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे आपके पास इनवाइट आता है जस्ट आपको फटाफट इसके थिएटर के अंदर चले जाना है। जैसे आप थिएटर के अंदर आ जाते हो जस्ट इनवाइट को आपको एक्सेप्ट करना है और सीधा भाई आप फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आ जाओगे। अब इसके अंदर आने के बाद में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, एक फुटबॉल को उठाना है और उसको दीवार के चिपका देना है कुछ इस तरीके से। और बस अब एक जंप करके फुटबॉल के ऊपर चढ़ जाओ, गेम को मिनिमाइज करो, जैसे वापस आओगे आप सीधा फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकल जाओगे। और अब देखो भाई, जो आप देखोगे पूरी दुनिया से अलग देखोगे, मतलब सोशल आइलैंड को ये क्या हो गया भाई, आपको बस नीचे पानी और ऊपर आसमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये देखो फाउंटेन, भाई ये क्या बवाल चीज है, मतलब जो भी हो दिख काफी मस्त रहा है। और यहाँ पर अगर आप किसी चेयर के ऊपर बैठोगे तो देखो भाई वो चेयर भी आपको नहीं दिखेगा और ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में बैठे हुए एकदम खतरनाक तरीके से। और ऐसे ही अगर आप झूले के ऊपर बैठोगे तो भाई आपको ना झूला दिखाई देगा ना कुछ, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऐसे खड़े हुए हो। और भाई अगर आप गाड़ी वाले उसमें आके गाड़ी को चलाते हो फिर तो आप गेम को ही भूल जाओगे, ऐसा लगेगा जैसे गेम ही कोई दूसरा खेल रहे हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप एक गाड़ी को हवा में उड़ा सकते हो। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर से कर लेना। देखो इस ट्रिक को करने के लिए जस्ट आपको क्राफ्ट लेन में आना है और सिंपली यहाँ पर आपको एक बहुत ही मस्त खतरनाक नया कोड देता हूँ। ये है कोड भाई, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जस्ट इस मैच को मतलब मैप को स्टार्ट करो और ऊपर की साइड आपको एक आइकन देखने के लिए मिलेगा, इस पे क्लिक करो और यहाँ से भाई आप कुछ भी ड्रेस मतलब बदल सकते हो। अभी देखो मैंने येलो क्रिमिनल पेन लिया है और ऐसे करके आपको यहाँ पर अदर्स वाले सेक्शन में आना है, एयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन फ्लाई। जैसे फ्लाई पे क्लिक करोगे आप सीधा हवा में आ जाओगे भाई, फिर से आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, देन अदर्स और फिर व्हीकल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीधा गाड़ी स्पॉन हो जाएगा। अब बस इस गाड़ी को ड्राइव करो, जहाँ पर मर्जी हो वहाँ पर लेके जाओ एकदम हवा में भाई, आप गाड़ी को चला सकते हो खूब। और इस गाड़ी का स्पीड भाई इतना तगड़ा होता है। और देखो एक चीज दिखाता हूँ, तुम्हारा भाई देखो क्या ही भाई डोज करते हुए लेके गया मैं, मतलब गाड़ी कहीं पर भी टच भी नहीं हुआ, कोई नहीं बोलेगा तुक्का है। इसके लिए ये मेरा बस दिखाई नहीं देता। बाय द वे अगर आपको इस ट्रिक के बारे में नहीं पता जिससे आप नॉक होके भी खड़े हो सकते हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, जाके देखो। बाय।